नमस्ते दोस्तों, आज हम वाटर कलर करना सीखेंगे। तो वाटर कलर करने के लिए चाहिए हमें चाहिए एक वो A4 साइज सीट, वाटर कलर्स, ब्रशेस, एक कॉटन क्लॉथ और साथ ही एक कप में पानी। किसी में भी रख सकते हैं आप अपने लिए। तो अब हम चलो वाटर कलर करना शुरू करते हैं। मैंने कृष्ण जी की फ़ोटो बनाई है जिस पर मैं वाटर कलर करूँगी। सबसे पहले मैं उसमें बाहर की तरफ से येलो कलर करना शुरू करूँगी। वाटर कलर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कलर को काफ़ी हल्के तरीके से यूज़ करें। मतलब पानी में जब हम ब्रशेस को डालते हैं उसके बाद हम कॉटन क्लॉथ पर अपने वाटर को थोड़ा सा सुखा दें, उसके बाद पानी में के उन ब्रशेस से कलर को लेंगे और हम कलर करना शुरू करेंगे। तो जो हम बाहर की तरफ कलर करते हैं वो रंग अच्छा उभर के आता है और धीमे धीमे हम उसे शेड देते हैं, उसी कलर से हम शेड देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अपने पिक्चर में कलर कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे ऐसे वीडियोस लाती रहूँ और जो मुझे आता है वो मैं लोगों को सिखाती रहूँ। वाटर कलर हम कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वाटर कलर कैमल के हों, डोम्स के हों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ एक ही ब्रांड के कोई कलर यूज़ करेंगे। मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर आर्टिस्ट के जो कलर होते हैं केक वाले, वो कलर यूज़ कर रही हूँ इसमें, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए मैं उन्हीं कलर से करना पसंद करती हूँ। पर आप कोई से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आगे मैं इसके बारे में और भी वीडियोज़ बना सकती हूँ जिसमें आप देखेंगे कि मैं और कलर से भी वाटर कलर कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से कलर करे जाते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोस ला सकूं आप सभी के लिए। वाटर कलर करते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा पानी का भी यूज़ ना हो और कलर भी बहुत गहरा ना आए, क्योंकि सूखने के बाद में उसमें जो शेड्स हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जब आप बाहर से अंदर की तरफ कलर को करेंगे, आप जब लाइन आउटर में लाइन करेंगे उससे आप शेड्स देंगे, तो वो अपने आप ही एक जब सूख जाता है उसके बाद बहुत अच्छी शेड देता है। आप किसी भी कलर को यूज़ करेंगे तो आप उस कलर के बाद देखेंगे कि वो सूखने के बाद काफ़ी अच्छी शेड दे रहा है। तो हम धीमे धीमे पूरी फ़ोटो में कलर कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप अच्छी तरह से सीख पाएँ कि मैं किस तरीके से इसमें कलर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हमारा जो ड्राइंग वर्क है ये अब कंप्लीट होने वाला है वाटर से। तो अब हम बस लास्ट में क्या करेंगे, जब हमारे कलर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब ये हम पूरा कर लेते हैं और थोड़ा ड्राई हो जाता है, लगता है कि सूख रहे, ऑलमोस्ट सूख गया, उसके बाद में हम इसके ऊपर जो है फिनिशिंग करने के लिए, इसमें फिनिशिंग लाने के लिए हम लोग ब्रश या तो पतले 0 पॉइंट ब्रश से आउटलाइन करते हैं ब्लैक कलर से। तो जो ब्लैक कलर है वो हमेशा ही एक पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से उभारता है। हम लोग स्केच का यूज़ भी कर सकते हैं, जो सीख रहे हैं नया नया तो वो लोग स्केच का यूज़ भी कर सकते हैं, पेन, ब्लैक पेन का। अगर आपके पास मोटी निब वाला ब्लैक पेन है आप उसका यूज़ करेंगे, जेल पेन ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं, मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, मैक्रोन पेन का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस मैंने तो यहाँ पर मार्कर का यूज़ किया हुआ है जिससे कि मैं आउटलाइन कर रही हूँ। और जो अंदर मैं ड्रेस बनाई है, जो उनकी कपड़े बनाए हैं उसमें भी मैंने उसी से किया हुआ है लाइंस को।
जो कि दिखा रहा है कि हमारी पिक्चर अच्छी तरह से उभर कर आ रही है, आप देख सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, ताकि मैं अपनी नॉलेज और लोगों तक भेज सकूं, बच्चे कुछ सीख सकें, ये तो काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा। मैंने अपनी पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब हमने जो पीछे बैकग्राउंड बनाया था, इसके बाद जो हमने बैकग्राउंड कंप्लीट किया है, लगभग वो ड्राई हो चुका है। तो हम बैकग्राउंड को इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो हम पीछे इसकी आउटलाइन करेंगे, और मैंने इसमें एक मंत्र लिखा है जो जो इस प्रकार है, मैंने लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो भी काफ़ी वो काफ़ी उभर के आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप ऐसा करें कि पीछे कोई सा कलर भी कर सकते हैं, छोटे छोटे आप सीक्वेंस बना सकते हैं, जैसे फ्लावर्स, स्टार्स। मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं और ये मंत्र लिखा है जो फ़ोटो को बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।